हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मिस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। आज की वीडियो में आपको समझाएंगे कि मिस्थेनिया ग्रेविस बीमारी क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, साथ ही आपको बताएंगे इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, मिस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इस बीमारी में होता क्या है, तो हमारा इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकनली अटैक कर देता है हमारे नर्व्स और मसल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको। तो उससे क्या होता है कि नर्व्स और मसल्स के बीच में जो सिग्नल होता है वो अफेक्ट हो जाता है, जिससे आपको वीकनेस और फटीग देखने को मिलती है बॉडी के अंदर। इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो बॉडी के अंदर जो वॉलंटरी मसल्स होती है जिसको आप कंट्रोल करते हैं, उनके अंदर आपको थकान और कमजोरी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। दोस्तों, इसके डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स एक एंड्रोफोनियम टेस्ट आपको करवाने के लिए कहते हैं। एंड्रोफोनियम टेस्ट में होता क्या है कि एंड्रोफोनियम नाम की मेडिकेशन आपके शरीर में जाती है, जिससे क्या होता है कि टेम्प्रेरी आपकी बॉडी के अंदर मसल स्ट्रेंथ के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, जिससे सजेस्ट किया जाता है कि आपको मिस्थेनिया ग्रेविस की बीमारी हो सकती है। साथ में डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, आपकी मसल स्ट्रेंथ चेक करते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स आपके ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, ताकि उस ब्लड टेस्ट के अंदर आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को पता लगाया जा सके, जैसे कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स आपके शरीर में है कि नहीं, या मसल काइनेस एंटीबॉडी आपके बॉडी में है कि नहीं। दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर्स आपके सीटी स्कैन और एमआरआई करवाने के लिए बोलते हैं, ताकि थाइमस ग्लैंड को स्टडी किया जा सके। दोस्तों, 70-80% केसेस जिनको मिस्थेनिया ग्रेविस रहता है उनके अंदर थाइमस ग्लैंड एनलार्ज नज़र आती है। अब बात करते हैं कि थाइमस ग्लैंड और मिस्थेनिया ग्रेविस का क्या रिलेशन है। दोस्तों, थाइमस ग्लैंड हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। ये हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स होती है उसको डेवलप करती है, और मैच्यूरेशन का काम हमारी थाइमस ग्लैंड करती है। अगर आपकी थाइमस ग्लैंड में कोई ट्यूमर है, या आपकी थाइमस ग्लैंड अगर माल फंक्शनिंग कर रही है, या थाइमस ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो आपके टी लिम्फोसाइट्स अच्छे से बढ़ेंगे नहीं, जिसका रिस्पॉन्स ये होगा कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर्स आपको मेडिकेशन देते हैं, जिसमें एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर्स आपको दिए जाते हैं। साथ ही डॉक्टर्स आपको मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ मेडिकेशंस देते हैं, आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है, साथ ही प्लाज्मा फेरेसिस किया जाता है ताकि एनरिच्ड एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में डाली जा सके। दोस्तों, इसके अलावा डॉक्टर्स आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देते हैं। और एक ट्रीटमेंट और होता है कि आपको सर्जरी के द्वारा आपके अगर थाइमस ग्लैंड में ट्यूमर है तो आपको थाइमेक्टोमी भी की जाती है, यानी थाइमस ग्लैंड का रिमूवल भी डॉक्टर्स करते हैं। दोस्तों, कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी। ये सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम्स आपको दिए जाते हैं। आपकी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, आपको पोस्चरल ट्रेनिंग देते हैं, ताकि आपकी मसल्स के अंदर जो, क्योंकि मिस्थेनिया ग्रेविस का सिम्टम होता है फटीग का, तो आपकी बॉडी कैसे स्ट्रेन से आप प्रिवेंट रख सके, और उसको पोस्चरल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसके ऊपर स्ट्रेन ज़्यादा ना आए। आपको एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स बताई जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में थकान रहती है, तो ऐसे डेली टास्क जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के अंदर आपको टास्क किस तरीके से करने चाहिए जिससे आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को कंजर्व किया जा सके। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से मिस्थेनिया ग्रेविस का प्रेजेंटेशन होता है। अगर आप मिस्थेनिया ग्रेविस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे मैं आर्टिकल के लिंक दे दूंगा, वो आर्टिकल आप जाके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।